Hello everyone, I am Professor N.B. Sate, welcomes you all in the 39th lecture of Electrical Measurements. So my dear students, we have discussed about the single phase dynamometer type, power factor power factor meter in the last lecture, single phase dynamometer type power factor meter and three phase dynamometer type power factor meter. So these two points we have discussed in the last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss about the LCR meter. So as the name indicates, its function is to measure the values of L, C and R, that means inductor, capacitor and resistor. ये तीनों के वैल्यू जिस मीटर पे हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं एलसीआर मीटर. जैसे हमने वैट मीटर यूज किया पावर मेजर करने के लिए, एनर्जी मीटर यूज किया हमने एनर्जी मेजर करने के लिए, एमीटर यूज किया हमने करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर यूज किया हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए, बाद में हमने पावर फैक्टर मीटर यूज किया वहां का पावर फैक्टर मेजर करने के लिए. वैसे ही हम एक मीटर ऐसा भी यूज करते हैं जिसपे हम इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर के वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलसीआर मीटर, ठीक है. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस एलसीआर मीटर. सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर मेन एग्जामिनेशन, क्लियर है. तो इसमें क्या क्या मेन ब्लॉक्स है वो देखेंगे. पहला ब्लॉक दिखाया है यहाँ पे ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, दूसरा है आपका ऑसिलेटर 1 किलोहर्ट्ज का, ये आरएस सिग्नल है आपका, ये इवन एलिमेंट है आपका, ये आरआर रजिस्टर है आपका, ये जो है वो है आपका आईवीसी यानी करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, राइट. देन ये ई2 सिग्नल है आपका, ये कंट्रोल स्विच है आपका, स्विच ए इसको नाम दिया है, ठीक है. देन ये आपका PLL मींस फेज लॉक्ड लूप है आपका, फेज लॉक्ड लूप. देन ये है आपका VCO यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ये है आपका AVD यानी एवरेज वोल्टेज डिटेक्टर, ठीक है. ये फोर फेज जनरेटर है आपका, ये यहाँ पे गया है, ये आपका PSD है यानी फेज सेंसिटिव डिटेक्टर, ये आपका LCR फंक्शन स्विच है, ये आपका रेंज स्विच है, यहाँ पे फिर से दो रजिस्टर्स हैं RS एंड RR. यहाँ पे एक दूसरा एक कंट्रोल स्विच दिया है जिसको कंट्रोल स्विच बी से डिनोट किया है, ये कंट्रोल स्विच ए है आपका, ये कंट्रोल स्विच बी है आपका, और ये है आपका डिजिटल इंटीग्रेटर एंड डिस्प्ले यूनिट, ठीक है. तो ये आपकी ऐसी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है. अभी इसका हमें ये कंस्ट्रक्शन एंड इसका वर्किंग देखना है, ठीक है. समझ में आए सारे ब्लॉक्स, इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज एलसीआर मीटर. सो हियर एलसीआर मीटर दैट इज इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस test equipment is used to measure the inductance, capacitance and resistance of a component. ये जो LCR meter है उसपे हम that is LCR means inductance, capacitance and resistance test equipment है ये जो कि हम use करते हैं वहाँ का inductance, capacitance and resistance जो है component का उसको measure करने के लिए, ठीक है. LCR सा meaning इथ दिले ला है, LCR मंजे inductance, L मंजे inductance, सी म्हणजे कॅपॅसिटन्स आणि आर म्हणजे रेझिस्टन्स. हे एक टेस्ट इक्विपमेंट आहे जे यूज करतो आपण तिथला कंपोनंटचा इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स आणि रेझिस्टन्स मेजर करण्यासाठी, ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे, इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इम्पिडन्स मेजरमेंट. ये आपका जो एलसीआर मीटर है वो आपका इम्पिडन्स मेजरमेंट प्रिंसिपल पे वर्क होता है, ठीक है. इन जनरल वर्जन ऑफ एलसीआर मीटर These quantities are not measured directly. ये जो जनरल वर्जन है LCR मीटर के उसमें हम ये सारे क्वांटिटीज डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं,
बट डिटरमाइन फ्रॉम अ मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वो क्वांटिटीज को मेजर नहीं करते हैं, उसके बजाय हम वहाँ पे पहले हम इम्पीडेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस मेजर करने के बाद हम वहाँ का इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समझ लो। तर ये जे एलसीआर मीटर आहे ते आपला इम्पीडन्स मेजर वरती, इम्पीडन्स मेजरमेंटच्या प्रिन्सिपल वरती वर्क होत असतं। आणि जे जनरल व्हर्जन्स असतात एलसीआर मीटरचे, त्यामध्ये आपण या ज्या क्वांटिटीज आहेत, कुठल्या क्वांटिटीज, रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स, या डायरेक्टली मेजर करू शकत नाही। तर आपण तिथं काय करतो, त्याच्याऐवजी सुरुवातीला आपण इम्पीडन्सचं मेजरमेंट घेत असतो तिथं। ठीक आहे, आणि इम्पीडन्स माहिती झाला की मग आपल्याला इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स आणि रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यू तिथं मेजर करता येतं। ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट आहे, दी नेसेसरी कॅल्क्युलेशन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट सर्क्यूटरी। जो भी नेसेसरी कैलकुलेशंस है आपके, वो इंस्ट्रूमेंट के सर्किटरी में ही इनकॉर्पोरेटेड किए होते हैं। ठीक है, एंड द मीटर रीड्स एल सी एंड आर डायरेक्टली विथ नो ह्यूमन कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। जो भी कैलकुलेशंस है वो इनकॉर्पोरेट किए होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट के सर्किटरी में, तो उसकी वजह से मीटर डायरेक्टली आपकी वैल्यू रीड करेगा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के, और वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन, ह्यूमन कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ लो। जे काही इंस्ट्रूमेंट, जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत नेसेसरी कॅल्क्युलेशन्स, ते तिथल्या इंस्ट्रूमेंटच्या सर्क्युटरीमध्ये इनकॉर्पोरेट केलेले असतात त्याला, त्यामुळं ते मीटर डायरेक्टली आपल्याला एल सी आणि आरच्या डायरेक्टली व्हॅल्यू देतं। ठीक आहे, तिथं कुठलेही ह्युमन कॅल्क्युलेशन करण्याची आवश्यकता नाही। सो इट विल डिटरमाइन द रिलेटिव चेंज इन द मॅग्नेट्यूड ऑफ अ रिपिटेटिव व्हेरिएशन्स ऑफ द वोल्टेज अँड करंट नोन एज एम्पलीट्यूड्स। ये जो है वो क्या करता है, वहाँ के रिलेटिव चेंज जो होता है मैग्नीट्यूड में, रिपीटेटिव वेरिएशन से वोल्टेज एंड करंट के, ठीक है, रिपीटेटिव वेरिएशन जो है वोल्टेज एंड करंट के, उसके मैग्नीट्यूड में जो रिलेटिव चेंज होता है उसको ये मीटर क्या करता है, वहाँ पे डिटरमाइन करता है, और उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, तो ये है आपका एलसीआर मीटर का कंस्ट्रक्शन। नाउ इसका वर्किंग देख लेते हैं हम, वर्किंग कैसे होता है। देखो कि इन दी इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो प्रिंसिपल है आपका प्रोसेसिंग का, वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट टू बी मेजर्ड, जो भी वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट है जो हमें मेजर करना है, एंड करंट थ्रू द एलिमेंट इज यूज, और वो करंट जो एलिमेंट से फ्लो हो रहा है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी वोल्टेज है आपके एलिमेंट के अक्रॉस का वो मेजर किया जाता है, एंड जो करंट है आपके एलिमेंट का उसको भी यहाँ पे यूज किया जाता है। सो दीज प्रोसेस सिग्नल्स आर देन फेड टू अ डिजिटल डिस्प्ले, और ये प्रोसेस सिग्नल्स देन आपके डिजिटल डिस्प्ले को वहाँ पे फेड किए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये है आपका डिजिटल डिस्प्ले। ठीक है, ये जो सिग्नल्स है आपके, कौन से सिग्नल्स है यहाँ पे, आपके जो वोल्टेज अक्रॉस जो एलिमेंट है जो मेजर किया है हमने, और जो करंट फ्लो हो रहा है आपके एलिमेंट्स में, एलिमेंट में से उसको इसको उसको यहाँ पे यूज करना है, और ये प्रोसेस सिग्नल्स को देन फेड करना है आपको डिजिटल डिस्प्ले को। ठीक है, तो ये डिजिटल डिस्प्ले है आप डायग्राम, क्लियर है। देन अ मेजरिंग टेस्ट सिग्नल इज अप्लाइड बाय एन इनबिल्ट ऑसिलेटर टू द एलिमेंट। एक मेजर टेस्ट सिग्नल वहाँ पे अप्लाई किया जाता है इन बिल्ट में ऑसिलेटर से एलिमेंट को। ठीक है, एक मेजरिंग टेस्ट सिग्नल वहाँ पे अप्लाई किया जाता है इन बिल्ट ऑसिलेटर से एलिमेंट को थ्रू सेलेक्टेबल रजिस्टर आर एस। वहाँ पे एक सेलेक्टेबल रजिस्टर है आपका, ये सेलेक्टेबल रजिस्टर है आर एस आपका। ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या करते हो, वहाँ पे एक मेजरिंग टेस्ट सिग्नल वहाँ पे ऑसिलेटर क्या करता है, इनबिल्ट ऑसिलेटर वहाँ के एलिमेंट को अप्लाई करता है। ठीक है, इनबिल्ट ऑसिलेटर, ये जो है आपका इनबिल्ट ऑसिलेटर, वो क्या करता है, ये सेलेक्टर रजिस्टर के थ्रू आपको वहाँ पे एक सिग्नल अप्लाई करता है। ठीक है,
a measuring test signal is applied by an inbuilt oscillator to the element through selectable resistor RS. यहाँ पे दिख रहा है ये selectable resistor RS है और इसके through ये oscillator क्या करता है, inbuilt oscillator वहाँ पे एक measured test signal ये element को apply करता है, ठीक है। ये है आपका second point, समझ लो। इधर मेजर टेस्ट सिग्नल अप्लाई केले जाते इनबिल्ट ऑसिलेटर कडून एलिमेंटला कशाच्या सहाय्याने, थ्रू सिलेक्टेबल रेजिस्टर आरएस च्या सहाय्याने, ठीक आहे। द सिग्नल करंट देन फ्लोस टू अ करंट टू व्होल्टेज कन्व्हर्टर आयव्हीस। हे जे सिग्नल करंट आहे तो नंतर फ्लो होतो, इथला सिग्नल करंट जो आहे तो फ्लो होतो, कुठे फ्लो होतो आपला आयव्हीस इकडे, ठीक आहे। The signal current then flows to a current to voltage converter IVC. यहाँ पे दिख रहा है आपको ये IVC है आपको। So signal current ये current to voltage converter की तरफ flow होता है, ठीक है। Which is essentially IVC क्या होता है आपका, एक essentially op amp होता है, operational amplifier होता है with a range RR connected in its feedback path, ठीक है। इसके feedback path में ये ऑप एम्प का ये फीडबैक पाथ है और इसके पाथ में यहाँ पे आर आर सिग्नल है, ठीक है। सो आईवीसी क्या है आपका, एक इसेंशियली ऑप एम्प है यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। उसकी रेंज क्या है आपके, आर आर है उसकी रेंज और वो कनेक्ट किया है उसके फीडबैक पाथ में, ठीक है। फिर सिग्नल करंट नंतर कुठून फ्लो केला जातो, सिग्नल करंट नंतर आपला करंट टू व्होल्टेज कन्व्हर्टर कडे फ्लो केला जातो, ठीक आहे। आणि करंट टू व्होल्टेज कन्व्हर्टर हे इसेन्शियली एक ऑप एम्प आहे, म्हणजे ऑपरेशनल एम्प्लीफायर आहे। त्याची रेंज ही आर आर आहे आणि ती आर आर जी रेंज आहे ती त्याच्या फीडबॅक पाथ मध्ये तिथं कनेक्ट केलेली आहे। सो ई वन इज द व्होल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट ॲज शोन इन फिगर। ई वन म्हणजे काय, या एलिमेंटच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे ई वन, ठीक आहे। या एलिमेंटच्या अक्रॉस व्होल्टेज आहे ई वन, ठीक आहे। अँड द सिग्नल करंट थ्रू आर आर डेव्हलप्स व्होल्टेज ई टू प्रपोर्शनल टू द करंट इन द एलिमेंट। आणि जो सिग्नल करंट आहे आपला या आर आर मधून फ्लो होणारा, ठीक आहे, हा आर आर आहे, कॅपिटल आर, बेसला स्मॉल आर आहे आणि इथं कॅपिटल आर बेसला कॅपिटल आर आहे, हा आपला रेंज आहे तिथल्या या आय व्ही सी, ठीक आहे। आणि तो त्याच्या फीडबॅक पाथ मध्ये कनेक्ट केलेला आहे आणि हा आर आर जो आहे तो या आर आर मधून आपला सिग्नल करंट काय होणार आहे, सिग्नल करंट थ्रू आर आर डेव्हलप्स व्होल्टेज ई टू। सिग्नल करंट जो आपला फ्लो होतोय आर आर मधून, ठीक आहे, या आर आर मधून, त्यामुळं इथं व्होल्टेज ई टू डेव्हलप होतं आपलं, हे ई टू आहे इथं, ठीक आहे, हे व्होल्टेज ई टू डेव्हलप झालं सिग्नल करंट आपला आर आर मधून फ्लो झाल्यामुळे, तिथं व्होल्टेज जे आहे ई टू ते डेव्हलप झालं आणि ते व्होल्टेज आपलं ई टू हे प्रपोर्शनल असणार आहे तिथल्या करंट इन द एलिमेंटला। जो ई टू रहेगा व्होल्टेज जो ई टू डेव्हलप हुआ आहे सिग्नल करंट आर आर में से, जो सिग्नल करंट थ्रू आर आर रजिस्टर में से जो सिग्नल करंट फ्लो हुआ है उसकी वजह से जो वोल्टेज ई टू डेवलप हुआ है वो E2 वोल्टेज आपके जो करंट फ्लो हो रहा है आपके एलिमेंट में उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। देन द सिग्नल वोल्टेज E1 इज राउटेड थ्रू अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेट। सिग्नल करंट E1 को क्या किया जाता है, ये सिग्नल करंट E1 है, इसको राउटेड किया जाता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेट से, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेट, इससे ये सिग्नल E1 को क्या किया जाता है, राउटेड किया जाता है, ठीक है। सिग्नल वोल्टेज E1 इज राउटेड थ्रू अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेट। सो E1 इज देन फेड टू अ कंट्रोल स्विच SWA। E1 देन किसको फेड किया जा गया है, ये E1 आपका देन फेड किया गया है आपके कंट्रोल स्विच A को, ठीक है। ये यहाँ से कंट्रोल स्विच A को दिया गया है, ठीक है, along with signal E2। ये दोनों सिग्नल जो है आपके E1 and E2, ये देखो E1 यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है और ये
डिफरेंशियल एम्पलीफायर के थ्रू ये कंट्रोल स्विच ए को कनेक्टेड है और ये E2 सिग्नल है आपका, ये दोनों सिग्नल कहाँ पे दिए हैं आपके, कंट्रोल स्विच ए को दिए, ठीक है, समझ लो। देन नेक्स्ट, द कंट्रोल स्विच ए राउज द ग्रेटर ऑफ E1। कंट्रोल स्विच ए क्या करेगा वहां पे, राउट राउट्स करेगा वहां का, वहां पे जो ग्रेटर है E1 एंड E2 उसको, ठीक है, और वो किसको अप्लाई किया जाएगा फिर, एवरेज वोल्टेज डिटेक्टर को, ठीक है। कंट्रोल स्विच स्विच ए राउट्स द ग्रेटर ऑफ E1 एंड E2, वो ग्रेटर को राउट करेगा E1 एंड E2 को, एंड और वो किसको दिए जाएंगे फिर, एवरेज वोल्टेज डिटेक्टर को। यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम, ये राउट करेगा इस कंट्रोल स्विच ए क्या करेगा वहाँ पे, उनको उन सिग्नल को राउट्स करेगा ग्रेटर E1 E2 पे, और वो किसको दिए जाएंगे आपके फिर, AVD को, यानी एवरेज वोल्टेज डिटेक्टर, ठीक है। एंड द लेसर टू अ फेज सेंसिटिव डिटेक्टर, जो ग्रेटर रहेगा E1 E2 में से, उसको राउट किया जाएगा एवरेज वोल्टेज डिटेक्टर को, ठीक है। ये देखो ये E1 एंड E2, ये दोनों को ये कंट्रोल स्विच क्या करेगा आपको वहां पे हो? राउट करेगा, ठीक है, और जो ग्रेटर रहेगा वो ग्रेटर सिग्नल को किसको देगा, वो AVD को, यानी एवरेज वोल्टेज डिटेक्टर को देगा ये, और जो लेसर होगा वो किसको देगा, वो फेज सेंसिटिव डिटेक्टर को, ठीक है, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर को देगा ये, यहाँ पे जो ये यहाँ से सिग्नल यहाँ पे किसको जाता है, ये फेज सीक्वेंस डिटेक्टर को, PSD को जाता है, जो लेसर रहेगा वो PSD को जाएगा और जो ग्रेटर रहेगा वो AVD को जाएगा, ठीक है, समझ लो। कंट्रोल स्विच काय करेल तिथल्या हे जे सिग्नल्स आलेले E1 आणि E2 ला, त्याला राउट्स करेल, आणि त्यामधला जो ग्रेटर असेल तो ॲव्हरेज वोल्टेज डिटेक्टरला देईल तो, आणि जो लेसर असेल तो फेज सेन्सिटिव्ह डिटेक्टरला देईल, ठीक आहे। द वोल्टेज सिग्नल इज फेड टू AVD इज ऑल्सो राउटेड ॲज अ रेफरन्स सिग्नल टू अ फेज्ड लॉक लूप अँड वोल्टेज कंट्रोल ऑसोलेटर। जो वोल्टेज सिग्नल हम फेड कर रहे हैं AVD को, उसको भी राउट किया जाएगा एक से रेफरेंस सिग्नल बोल के, फेस लॉक लूप लूप को एक रेफरेंस सिग्नल बोल के, ये देखो फेज लॉक लूप ये है आपका, तो ये फेज लॉक लूप को एक रेफरेंस सिग्नल बोल के वहां पे, उसको रेफरेंस सिग्नल बोल के वहां पे राउट किया जाएगा। वोल्टेज सिग्नल जो हम फेड कर रहे हैं AVD को, यानी एवरेज वोल्टेज डिटेक्टर को, जो हम वोल्टेज सिग्नल फेड कर रहे हैं उसको राउट किया जाएगा एक रेफरेंस सिग्नल बोल के, और वो रेफरेंस सिग्नल किसके लिए होगा आपके, फेज लॉक लूप के लिए एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के लिए, फेज लॉक लूप एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये देखो यहाँ पे देखो दोनों है, ये फेज लॉक लूप एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ठीक है, समझ लो। वोल्टेज सिग्नल जे आपण फेड करतो इथल्या AVD ला, ते परत राउटेड केलं जाईल एक रेफरन्स सिग्नल म्हणून, कुणाला रेफरन्स सिग्नल असेल तो फेज लॉक लूपला आणि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटरला, अँड दे प्रोड्यूस क्लॉक सिग्नल। हे दोन्ही काय करतील मग तिथं, म्हणजेच फेज लॉक लूप ते काय करतील, दोन्ही तिथं क्लॉक सिग्नलला प्रोड्यूस करतील, अँड विच आर लॉकड इन फेज, ते तिथल्या फेज मध्ये लॉक केले जाते टू अ रेफरन्स सिग्नल म्हणून, ठीक आहे। दे प्रोड्यूस क्लॉक सिग्नल, वो वहां पे क्लॉक सिग्नल को प्रोड्यूस करेंगे और वो लॉक किए जाएंगे वहां के फेज में एज अ रेफरेंस सिग्नल बोल के, ठीक है, टू अ रेफरेंस सिग्नल बोल के, ठीक है। देन द आउटपुट्स ऑफ AVD एंड PSD आर DC वोल्टेजेस। जो भी आपके आउटपुट रहेंगे AVD एंड, ये देखो ये यहाँ पे आपका AVD है, ये AVD एंड PSD के जो भी आउटपुट है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा ये AVD का और यहाँ से आपको PSD का आउटपुट मिलेगा, तो ये जो आउटपुट रहेंगे ये AVD एंड PSD के, वो ये आउटपुट आपके DC वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। तो ये DC वोल्टेजेस आर फेड टू अनदर कंट्रोल स्विच स्विच बी को, ठीक है। ये DC वोल्टेज
जो आउटपुट मिल रहे हैं हमें एवीडी से और पीएसडी से, वो कहाँ पे कनेक्ट किए हैं हमने, कंट्रोल स्विच बी को, ठीक है। तो ये कंट्रोल स्विच बी को हमने उसको कनेक्ट किया है, क्लियर है, विच एंश्योर्स दैट। और वो क्या इंश्योर करेंगे यहाँ पे देखो, विच एंश्योर्स दैट इवन गोज टू द इनपुट टर्मिनल ऑफ द डिजिटल इंटीग्रेटर यूनिट। वो क्या इंश्योर करेगी कि आपका जो इवन सिग्नल है वो आपका कहाँ पे जाना चाहिए, इवन गोज टू इनपुट टर्मिनल ऑफ द डिजिटल इंटीग्रेटर। डिजिटल इंटीग्रेटर का जो इनपुट सिग्नल है उसको जाना चाहिए आपका इवन सिग्नल, ठीक है। इवन सिग्नल आपके डिजिटल इंटीग्रेटर की इनपुट को जाना पन चाहिए, ये वहां पे उसको इंश्योर करेंगे, ठीक है, एवीडी एंड पीएसडी, ठीक है। आउटपुट ऑफ द एवीडी एंड पीएसडी आर डीसी वोल्टेजेस, एवीडी आणि पीएसडीचे आउटपुट हे डीसी वोल्टेजेस असणार, ते आपण परत फेड केलेले तिथल्या दुसऱ्या एका कंट्रोल स्विच बी ला, आणि ते कंट्रोल स्विच बी काय इन्श्युअर करेल की जे सिग्नल इवन आहे ते आपलं इनपुट टर्मिनल असणार आहे डिजिटल इंटिग्रेटरसाठी। इवन सिग्नल हे ते इनपुट टर्मिनल जे आहे डिजिटल इंटिग्रेटरला त्याला हे इवन सिग्नल जाणार आहे, ठीक आहे, अँड विच इन टर्न ड्राईव्ह द डिस्प्ले युनिट, आणि ते सिग्नल मग तिथे डिस्प्ले युनिटला ड्राईव्ह करेल, ठीक आहे, समज में। तो ये है आपके एलसीआर मीटर का पूरा वर्किंग, ठीक है, समझ में आया, इसमें कुछ डाउट है आपको, ये है आपके एलसीआर मीटर और इसका वर्किंग। समझ में आया, इसमें कुछ डाउट है एलसीआर मीटर में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर, ठीक है, वी विल मेक इट द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you for watching this video lecture again. Okay. Thank you. Thank you very much.